हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल विवेक डांस ब्लॉक में आपका फिर से स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में बिल्कुल व्यस्त होंगे। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, मतलब कि 2-3 दिन हो रहे हैं, वीडियो बना के बताया था कि मेरे घर में काम चल रही है, इसलिए मैं कहीं भी आ जा नहीं पा रहा हूँ, ना अच्छा अच्छा वीडियो प्रोवाइड कर पा रहा हूँ आपको। तो देखिए, मेरे घर में कल ख़त्म हुआ, यानी कल, आज तारीख है 21 फरवरी, अब कल है 20 फरवरी। तो कल 20 फरवरी को मेरे घर में काम एकदम कंप्लीट हो चुके हैं। मैं आपको मेरा घर, मतलब पहले से कुछ अच्छा दिख रहा है, अच्छा बनकर बेहतर हो गया है। मैं आपको दिखाता हूँ, आपको अपना पूरा घर, आइए दिखाता हूँ। ये देखिए मेरा पर्सनल रूम, आवाज़ गूंज रहा होगा इसमें। ये देखिए न्यू दरवाजा लगा है, देख सकते हैं मेरे घर में एक न्यू दरवाजा लगा है अभी। और ये घर में देख लीजिए आप, हम आपको दिखा रहे हैं चारों तरफ, मतलब वीडियो उतना अच्छा से नहीं दिखा पा रहे होंगे। ये देखिए चारों तरफ पूरा पुट्टी हुआ है, पुट्टी पेंट नहीं, पुट्टी, जो पुट्टी होता है मशीन से, पूरा पुट्टी हुआ है। और अब देख लीजिए, अभी देखिए चौकी पे सब रंग ऐसे ही पड़ा हुआ है। अभी हम जस्ट घर धोए, पूरा घर धुआ, पूरा मतलब अपना छत सब धोए। देख लीजिए आप, देख सकते हैं नीचे कहीं कहीं पानी भी जमा है, चौकी पर भी पानी जमा है, चौकी धोए। ये देखिए इस टेबुल पे चढ़ के पुट्टी वाले भाई साहब पुट्टी कर रहे थे, सब पेंट उंट गिरा है, सब मैंने धो दिया है लेकिन छूट नहीं रहा है। और ये देखिए कुर्सी भी गंदा हो चुका है, सब धो दिया हूँ पर छूट नहीं रहा है। और देखिए नीम कबाड़ी लगा, ये पेंट हुआ थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है, अच्छा खूबसूरती नजर दिख रहा है। एक रूम ये बनकर तैयार हुआ है, और एक रूम ये वाला, और एक रूम ये वाला देख लीजिए, ये दूसरा रूम है, छोटा सा रूम है, किचन, किचन के लिए पर्सनली बनाया गया है इसे, छोटा सा रूम है। मतलब एक देखिए इसमें भी एक चौकी डाला हुआ है, इसमें चौकी में भी देख रहे हैं भीगा हुआ होगा चौकी। अभी जस्ट हम धोए सब, पूरा हम सब धो ही रहे, अभी सब धो के एकदम फिनिश कर दिए। तो मैं सोचा वीडियो बना दूं। और इसमें भी देखिए एक नई दरवाजा, इसमें भी एक नया दरवाजा लगा है, एक उस रूम में देख सकते हैं कि वहाँ है, और एक यहाँ, दो दरवाजा लगे हैं इसमें। और फिर पेंट बचा हुआ था तो मैंने आपको, हम दिखाते हैं, आप देख सकते हैं पीछे मैंने इस साइड दीवार में, फिर इस साइड, फिर पीछे की ओर दीवार में पुट्टी, मतलब पेंट बचा हुआ था तो पुट्टी हमने मरवा दी है, आप देख लीजिए। और नीचे का जो कबाड़ा सामान होता है, कबाड़ा रूम में देखिए, कबाड़ा रूम है जो, मतलब देखिए सीढ़ी रखा हुआ है, और बक्सा फक्सा फलान ठेकान, मतलब सलाई रिंच प्लास ये सब, सलाई रिंच मतलब ऐसे ही कुछ कुछ रखा हुआ है, तगाड़ी सगाड़ी। और यहाँ पर भी ईटा पत्थर है, एक कबाड़ा रूम है ही स्पेशल, कबाड़ा कबाड़ा रूम, इसमें मालतू फालतू झाम फाम, देखिए झाम रखा हुआ है, स्पेशल कबाड़ा रूम बनाया गया है। अभी मतलब ढलैया नहीं हुआ है, ढलैया हम करवाएंगे बाद में। और इतना अभी इतना ही पैसा था, पैसा शॉर्ट हो चुका है, मतलब जितना हमको अच्छा लगा। और ऊपर से भी पूरा पैक हो चुका है, हम आपको भी ऊपर चल के दिखाते हैं। और फिर ये देखिए एक लोहा का कबाड़ी लगा है न्यू, अभी दो कबाड़ी लगाए हैं मेरे, क्योंकि मेरे घर में चोरी हो गए थे, तो चोर का चोर चोरी से बचने के लिए, अपना सेफ्टी के लिए हमने एक दरवाज़ा लगा दिया लोहा का, इंटरलॉक भी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं पूरा। अभी जस्ट मतलब लगा, जस्ट ना मतलब हो गए, काम चल रहा था उसी बीच में, दो दरवाज़ा लगा, एक ओला लगा और एक, दो दरवाज़ा उस सीढ़ी पर का है, जो सीढ़ी से ऊपर से आते हैं तो वहाँ पर रहेगा, और एक दरवाज़ा जो बंद करके सीढ़ी से नीचे जाने वाला घर में जाने के लिए, एक ये दरवाज़ा लगा। और ये एक दरवाजा ये रखा हुआ था ऐसे ही, तो इसमें भी लगवा दिया गया, देखिए पेचरी उचरी लगा के ऐसे ही मतलब रख दिया गया है, ऐसे ही छोड़ दिया गया है, इसमें भी दरवाजा मतलब सेट हो चुका है। और देखिए अभी सब बल्टी उल्टी धो के पेंट पोछा रहा है, बल्टी उल्टी धो के सब रखे हैं, बल्टी पेंट नहीं छूट रहा है, आप ये देख सकते हैं पेंट मारने वाला सब जो है ना, ऐसे ऐसे दीवार में मार जाते हैं, उन लोगों का सब सामग्री है। और सब देखिए अभी जस्ट हम धो धा के सब बल्टी सल्टी रखे हैं। इधर मिस्त्री लोग का भी करनी फरनी देख लीजिए, करनी भी यहीं छूटा हुआ है, छोटा छोटा करनी सामान लोगों का, प्लास्टर करने वाला, ईंटा पत्थर जोड़ने वाला, मिस्त्री जी का झोला भी यही है, अब देख लीजिए झोले में क्या क्या दिख रहे हैं, कुछ कुछ है ऐसे हैं, ठीक है दोस्तों। और इसमें बालू सालू थे, लकड़ी सकड़ी थे, तो हमने सब साफ सुथरा कर दिए एकदम, मतलब रूम फ्रेश हो चुका है, सब बालू सालू जो था हम इस रूम में रख चुके हैं, देख लीजिए इस रूम में रख दिए हैं। ये रूम ढलवाना है, अभी ढलवाएंगे बाद में। और मतलब इतना घर हमारा बन के कुछ तैयार हो चुका है, रहने लोग रहने लायक कुछ अच्छा हो गया है, बाकी तो एकदम फर्स्ट क्लास हो चुका है रूम। और ये रहा मेरा पर्सनली रूम है मेरा,
इसमें हम अपना सब कपड़ा लगता है, कॉपी किताब इसमें सोएंगे। नहीं सोएंगे तो नहीं इसमें, क्योंकि मेरी शादी हो रही है, मैंने वीडियो में बता दिया था, तो नया पलंग आएगा इसमें सोएंगे, तो मौज करेंगे। इसको हटा देंगे तब पलंग जो आएगा उस पर सोएंगे। मैं पर्सनली रूम में रहूँ, और देखिए चारों कोनों पे वो दिख रहा होंगे आपको, दो उधर और दो इधर दिख रहे होंगे। इस चारों कोनों पे हमको बॉल लगवाना है, जो लाल पीला बढ़ते हैं ना, वो बॉल लगवा देंगे। वो मैंने बता उसे बता दिया है बॉल वाले से, तो बोला है मिस्त्री कि दो दिन बाद आकर लगा देंगे, कहीं और काम में बिजी है। इधर और उस रूम में बगल में और नीचे मतलब 15-16 बॉल लगवाने हैं, लाल पीला हरा भरेगा मस्त। ये दरवाजा भी मस्त दिख रहा होगा आपको, अच्छा दिख रहा है, हमने बनाया था। तो यही सब देखिए दोस्तों, बाकी सब इतना बना इसलिए हम कहीं वीडियो बनाने आज आ पा नहीं रहे थे। अब कोशिश करेंगे, कब आज से पूरे फ्री हो चुके हैं, कल से पूरे मतलब कहीं कहीं जाएंगे, अच्छा अच्छा वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। अभी देखिए मैं भी हाफ ही पैंट पर हूँ, ऐसा ही सब धो धा के एकदम हाफ पैंट पर ही हूँ। बाकी गर्मी का, अब गर्मी आ गया है, अब धीरे धीरे सूट टोपी पहने की जरूरत है नहीं, गर्मी आ चुका है, गर्मी लगने लगी है धीरे धीरे, पसीना तो नहीं पड़ रहा है लेकिन गर्मी आ चुकी है। ठीक है दोस्तों, आप भी अपना ख्याल रखिएगा, मस्त रहिएगा, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, लव यू।